बोलूं तो इल्जाम है बगावत का, ना बोलूं तो बेचैनी सी होती है। जहां भी जाती हूं वीरान नजर आता है, मेरे देश की जनता पर हो रहा अत्याचार नजर आता है। अब उठेंगी आवाजें और आएगा बदलाव, क्योंकि जब बोलता है देश का युवा तो हर तरफ इनकलाब लाता है। आज भारत में दौर वो आ चुका है जहां हर उठती आवाज को दबाया जाता है। आज भारत में दौर वो आ चुका है जहां आवाज उठाने वालों को जेलों में बंद कर दिया जाता है, लेकिन यंग इंडिया बोल के माध्यम से एक युवा के बेरोजगार होने का दर्द क्या होता है, वो मैं भारत को बेरोजगार बनाने वाले प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती हूँ। आज यंग इंडिया बोल के माध्यम से उन युवाओं को मंच दिया गया है जो जब नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार की लाठियों का शिकार होते हैं। आज यंग इंडिया बोल के माध्यम से मैं उन युवाओं के दर्द को सामने लाना चाहती हूँ जिनके माता पिता मुश्किल से दो वक्त की रोटी की आय जुटा पाते हैं, लेकिन सरकार की लूट के कारण उन्हें अपने परिवारों को भूखा देखना पड़ता है। मैं यंग इंडिया बोल के माध्यम से उन युवाओं के दर्द को सामने लाना चाहती हूँ जिन्होंने कोरोना त्रासदी में अपनों को खोया है सरकार की अनायोजित नीतियों के कारण, लेकिन सरकार से दो शब्द संवेदना के सुनने के बजाय हर तरफ थैंक यू मोदी जी का शोर सुनाई दिया। आज यंग इंडिया बोल के माध्यम से मैं हम दो हमारे दो की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हूँ जो अपने चंद मित्रों की खुशहाली